हमारे लिए यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि इंदौर की 18 वर्षीय बेटी वृंदावन से साध्वी कृष्णानंद बनकर लौटी। जी हाँ, इंदौर की जो बेटी वृंदावन के लिए गई थी वह साध्वी कृष्णानंद बनकर लौट आई और उन्होंने 7 दिन का भागवत ज्ञान यज्ञ गीता भवन में शुरू किया। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं गीता भवन आती थी तो मैं एक श्रोता थी, पर आज मैं वक्ता बनकर आपके सामने बैठी हूँ। इसके लिए उन्होंने सभी को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि 2011 में गांधी हाल के कार्यक्रम में उनकी मुलाकात राजेश गर्ग से हुई, तब उनकी आयु 11 वर्ष की थी। इसके बाद उन्होंने धर्म और अध्यात्म में रुचि देखी और फिर मुझे वर्ष 2012 में वृंदावन के महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद जी से मिलवाया और तब से ही जीवन की धारा बदल गई। उन्होंने कहा कि जिस चेहरे पर दुनिया की नज़र रहती है उसे चमकाने के लिए हम विविध प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जिस मन पर परमात्मा की नज़र रहती है उसे साफ करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। उन्होंने कहा कि अब वे साध्वी के रूप में अपनी सेवाएं समाज को देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वामी भास्करानंद जी जिनसे मुझे भागवत का ज्ञान मिला वे तो समुद्र हैं, उनके पास रहकर कुछ बूंदे समेट कर लाई हूँ जो यहीं पर प्रस्तुत करूँगी।